Hi friends, I am Kunal Srivastava from Oxygen Classes. Today we are going to study about image formation of concave and convex lens. Concave and convex lens का हम लोग आज image formation देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को देखना होगा कि concave lens और convex lens बोलते किसको हैं, ठीक है? तो देखिए, जिसमें दो spherical part curve हो एक दूसरे की तरफ, दोनों का spherical part क्या है? Curve है. और ये एक स्पेरिकल पार्ट से कट करके बना हुआ है. ये क्या है? एक स्पेरिकल पार्ट से कट के बना हुआ है, इसीलिए इसमें दो सेंटर भी होगा. तो एक को C लिखेंगे और दूसरे को C1 या C2, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? और ये जो बीच का जो पार्ट होता है इसको O, और अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, यानी C1, O और C2 को अगर मिला दिया जाए, तो जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम लोग क्या? प्रिंसिपल एक्सिस. और अगर देखा जाए प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अगर इस पॉइंट को देखा जाए, अगर मिड पॉइंट को देखा जाए, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर. और ये जो आपका C1 और C2 है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब दो स्पेरिकल पार्ट है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और उन दोनों का बीच का पार्ट को मिलाकर क्या बना दिया गया? कॉन्वेक्स लेंस बना दिया गया. क्या बना दिया गया? कॉन्वेक्स लेंस बना दिया गया. कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं. बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं. बाई कॉन्वेक्स इसलिए बिकॉज दो पार्ट इसका मिल करके बना हुआ है. और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस क्यों होता है? बिकॉज इसमें जब रे ऑफ लाइट आता है तो ये क्या करता है? एक दूसरे को मिला देता है, यानी एक दूसरे से दूर ना जाकर एक दूसरे के सामने आ जाता है, करीब आ जाता है, जिसको कन्वर्ज करना बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कन्वर्ज करना. इसी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. इसी तरीके से दूसरा देखा जाए तो दूसरा पार्ट होता है कॉनकेव लेंस का. इसमें देखिए, इसमें इसका जो मिड पॉइंट था ना, इसका मिड पॉइंट जो था वो थिक था. इसका मिड पॉइंट क्या था? थिक था. थिक था. और जबकि इसका मिड पॉइंट जो है वो थिन है. इसका मिड पॉइंट क्या है? थिन है. अब देखिए, इसके मिडिल में जो है वो थिन है, इसके मिडिल में थिक है, यानी ये हो गया कॉन्वेक्स और ये क्या हो गया? कॉनकेव हो गया. ये क्या हो गया? कॉनकेव हो गया. और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. इसको जो है डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस इसलिए बिकॉज इसमें जब रे ऑफ लाइट आता है तो इसमें जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये क्या होता है? एक दूसरे से दूर चला जाता है. एक दूसरे से क्या होता है? दूर चला जाता है, जिसके कारण ये मतलब डिविएट हो जाता है, यानी भटक जाता है अपने रास्ते से, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस. तो ये था कॉनकेव, मैंने ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स. तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपने जान लिया होगा. अब देखते हैं कि इसका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में. सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस आखिर होता क्या है, ठीक है? तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग पहले एक दो पार्ट देख लेते हैं. दो बात ये कि सबसे पहला बात कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसका जो फोकस होता है, और इसका जो 2f1 होता है, 2f1 इसलिए लिखे बिकॉज यहां से जो डिस्टेंस होता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर और f1 का जो बीच का डिस्टेंस होता है, सेम डिस्टेंस f1 और 2f1 के बीच होता है, इसीलिए इसको 2f1 लिखा जाता है, यानी इसी का डबल. इसी का डबल, इसीलिए यहां पर क्या लिखा जाता है? 2f1. तो इसमें दो प्रॉपर्टी हम लोग को मैक्सिमम देखना है. देखा जाए तो तीन होता है, लेकिन दो मिनिमम देखना ही होगा. तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आता है तो ये क्या होता है कि ये जो आपका जो दूसरा पार्ट का, यानी हम लोग जानते हैं कि दो इसका स्फेरिकल पार्ट है, तो जो दूसरा स्फेरिकल पार्ट का जो F2 होता है ना, वहां से ये गुजरता है. कहां से गुजरता है? F2 से गुजरता है. और इसका ये जो था ये फर्स्ट रूल था. और इसका सेकंड रूल ये कहता है कि ये जब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से या ऑप्टिकल सेंटर से कहीं से भी पास करेगा, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, वो बिना डिविएशन के क्या होता है कि सीधा निकल जाता है. क्या होता है? सीधा निकल जाता है. ये इसका सेकंड रूल है.
तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका फर्स्ट रूल और सेकंड रूल हम लोग देख लिए, तो अब इसका हम लोग देखेंगे कि आखिर इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे और कौन कौन सा इसका इमेज फॉर्मेशन होने को है। अब ये इमेज फॉर्मेशन होता क्यों है, बिकॉज इसका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हम लोग इसके मतलब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे उसका पोजिशन अगर चेंज करेंगे तो उसका इमेज वैसे वैसे बढ़ता या घटता है। तो ये कैसे बनेगा इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को when object at infinity, तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे इन्फिनिटी पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद इसका प्रिंसिपल एक्सिस और इसमें ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका F1 और ये रहा 2F1, ये रहा F2 और ये रहा 2F2। तो अब देखिए F1, 2F1, 2F2 और 2F2 दोनों बना दिया। अब बोला है कि ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो ये क्या होगा, यहां जाने के बाद फर्स्ट रूल क्या बोला था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू एफ, यानी फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो जब फोकस से पास करेगा तो ऑब्वियसली ये क्या बनाएगा, पॉइंट साइज बनाएगा। ये कैसा ऑब्जेक्ट बनाएगा, पॉइंट साइज। तो अब हम लोग का इसका इमेज फॉर्मेशन का चार पार्ट इसका लिखना होता है, यानी इसके अंदर में हम लोग का इमेज जब बना तो क्या क्या हम लोग को शो कर रहा है, क्या क्या चीज दिखा रहा है, वो चीज हम लोग को लिखना होगा। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या दिखा रहा है, तो दिखा रहा है कि एट एफ टू बना है, या ऑन एफ टू लिखिए या एट एफ टू लिखिए, बात एक। दूसरा कि ये कैसा हो रहा है, रियली में एक दूसरे को कट कर रहा है, रियली में एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जिसके कारण हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रियल। ये क्योंकि हमारे द्वारा वर्चुअली तो इसको मिलाया नहीं गया है, इसलिए ये रियली में कट कर रहा है, इसलिए रियल। और रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड, क्या होगा, इन्वर्टेड। अगर रियल और इन्वर्टेड हो गया तो इसका साइज कब आता है, तो साइज इसका कैसा हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट साइज, तो डिमिनिश्ड या स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका फर्स्ट पार्ट था कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होता है कि F2 पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और कैसा रहेगा, साइज में छोटा रहेगा। ये जो था कॉन्वेक्स लेंस का सबसे फर्स्ट पार्ट था। अब अगर देखा जाए तो इसका सेकंड पार्ट क्या होता है, सेकंड पार्ट में ये होगा कि हम लोग को, देखिए हम लोग को पहले सबसे पहले एक चीज जान लेना होगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग जैसे जैसे लेंस की तरफ ले जाएंगे, लेंस की तरफ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट वैसे का रहेगा, लेकिन इसका जो इमेज होगा ना वो बड़ा होते जाएगा। यानी अगर एक ग्राफ के तौर पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इसका इमेज क्या होगा, धीरे धीरे छोटा है, ठीक है। अगर फिर ये सामने आया, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये सामने आया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये सामने आया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, और लास्ट में क्या होता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट रख जाते हैं तो वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है उधर ही ये इमेज बना देगा और ये सीधा बना देगा, जबकि इधर में हमेशा क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के आगे ले जाएंगे, सामने ले जाएंगे, इसका इमेज जो होगा वो क्या होते जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये देखिए कैसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देख लिया, अब दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, यानी F1 से थोड़ा सा अगर पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले यहां पर कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। ये ध्यान रखिएगा कि ये आप लोगों को मेजर करके अपने से बनाना है, अगर इसको 2 ले रहे हैं तो ये भी 2 लेना है, अगर इसको 2 ले रहे हैं तो इसको भी 2, यानी अगर ये पूरा का पूरा, अगर ये 2 तो ये भी 2, तो ये भी 2 और 2 ही होगा,
यानी ये पूरा का पूरा मेजरमेंट क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा इक्वल होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा तभी बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बियॉन्ड 2f1 रखना है, बियॉन्ड 2f1 रख दिए। और बियॉन्ड 2f1 रखने के बाद हम लोग क्या पहला रूल पढ़े हैं कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर टकराया यानी रिफ्रैक्ट हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास किया जाए, ऑप्टिकल सेंटर से पास किए तो कहाँ बन रहा है, वो यहाँ पर बन रहा है, यानी अगर देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बना, थोड़ा सा क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, ये सीधा है तो ये क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अगर ये मान लीजिए जाए ए है और ये बी है तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बी हो जा रहा है बी डैश और ये हो जा रहा है ए डैश, डैश इसलिए बिकॉज ये इमेज बना रहा है इसलिए इसको डैश से हम लोग कर दिए, ठीक है। अब देखिए कि ये अगर इमेज फॉर्मेशन देता है तो कौन कौन सा बात को देता है, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं कि पहले तो कहां बना रहा है, तो अगर इधर बना रहा है तो कहां पर बना रहा है, तो बिटवीन बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू के बीच में बना रहा है, यानी आपका इमेज जो बन रहा है वो एफ टू एंड टू एफ टू के बीच में बना रहा है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है कि ये तो रियल बना रहा है बिकॉज ऑफ रियल, हम लोग जानते हैं क्यों बना रहा है, बिकॉज एक दूसरे को रियली मीट कर रहा है इसलिए रियल, और यहां पर क्या हो जाएगा इनवर्टेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इनवर्टेड हो जाएगा, और रियल है तो सीधा बात है कि इनवर्टेड होगा। और चौथा बात ये है कि अगर इनवर्टेड हो गया तो इसका साइज क्या होगा, तो इससे क्या है छोटा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा हम लोग सीधा यही जानते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते थे स्मॉल भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रख रहा था तो हम लोग का बिटवीन कहां पर बन रहा था, f2 एंड 2f2 बन रहा था, कैसा बना रियल बना, और कैसा तो इनवर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना, कैसा बना स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट अगर हम लोग कहां रखते हैं, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखते हैं एट 2f1, अगर ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं तो ये देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1, ये हो गया f1 एंड 2f1 में क्या हो रहा है, ये है f2, ये है 2f2। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस करने के लिए बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस करने के लिए बोला जा रहा है 2f1 पे, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया 2f1 पे। अब क्या हुआ कि यहां से हम लोग को पहला रूल पता है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू F2, इट पासेस थ्रू F2, यानी फोकस से पास करेगा, तो कर दिया फोकस से पास। अब बोल रहा है कि दूसरा पार्ट क्या होता है, तो दूसरा पार्ट ये होता है कि आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास करना होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करना होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करना होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास हुआ तो ये कहां जाकर मिल रहा है 2f2, यानी यहां पर जाकर के मिल रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है लेकिन इमेज इसका क्या बन रहा है उल्टा बन रहा है, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इसका इमेज कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है। तो अब देखिए कि ऑब्जेक्ट अगर उल्टा बन रहा है तो इसका भी हम लोग चार पॉइंट लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑन 2f2, यानी 2f2 पर बन रहा है। दूसरा बात क्या लिखेंगे, ये रियली में एक दूसरे को मीट कर रहा है इसलिए रियल, इसको याद करने वाला चीज नहीं है, अगर कोई भी बोलता है कि इसे रट लो याद कर लो, नहीं, आप लोग को इतना इजीली तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम सीधी बात है कि आपका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जाएगा आपका इमेज वैसे वैसे क्या होगा बड़ा होगा, इसीलिए इसको याद करने का कोई है ही नहीं कि याद करना पड़ेगा, और सीधी सी बात है आपको हर बार पता चल रहा है, अगर रियल है तो सीधी बात है इन्वर्टेड होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, इसलिए इसे याद करने का कोई नीड नहीं है। लेकिन एक टाइम में अगर आपको लगे कि नहीं याद करना चाहिए तो सिर्फ वो एक पॉइंट जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तब, ठीक है, तभी हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये रियल हो गया ये इन्वर्टेड हो गया, अब इसका साइज कैसा है, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज
एज द ऑब्जेक्ट, यानी जैसा साइज का, जितना साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का आपका इमेज भी बनेगा, इसीलिए लिख दिया गया है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का ही ये बनेगा। कब? जब हम लोग प्लेस करेंगे 2f1 पर, तब ये होगा रियल इन्वर्टेड ऑन 2f2। अब देखते हैं ये चौथा पार्ट क्या बोलता है। चौथा पार्ट है बिटवीन, प्लेस्ड बिटवीन बिटवीन 2f1 एंड f1। अब देखते हैं 2f1 एंड f1 के बीच में रखने से क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये f2 एंड ये 2f2। अब क्या हुआ, ये साइज आप सेम लीजिएगा, मतलब मेरा तो मेजरमेंट अभी मैं ले नहीं रहा हूं ना, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ये आप साइज अपना मेजरमेंट अपने से खुद से करके अच्छे से लीजिएगा, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन f1 एंड 2f1। मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, इट पासेस थ्रू फोकस, अब फोकस से पास कर गया। दूसरा कहां से पास करेगा, दूसरा कहां से पास करेगा, तो आपका पास करेगा कहां, ऑप्टिकल सेंटर, कहां से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये देखिए, अब जो दिख रहा है कि हम लोग अगर बिटवीन 2f1 एंड f1 अगर ऑब्जेक्ट को रखा है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखे हैं, f1 एंड 2f1 के बीच में रखे हैं, तो ये आखिर कहां से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है पहला f2 से, यानी फोकस 2 से, और दूसरा जो पास हो रहा है वो कहां से पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जब दोनों पास हो रहा है तो कहां पर निकल रहा है, तो बियॉन्ड 2f2 मिल रहा है, कहां मिल रहा है, बियॉन्ड 2f2। तो हम लोग पहला लिखेंगे बियॉन्ड 2f2, दूसरा पार्ट रियल, बिकॉज रियली मीट कर रहा है, और ये तीसरा पार्ट क्या होगा, इनवर्टेड, क्या होगा, इनवर्टेड हो गया। एंड चौथा पार्ट इसका क्या होगा, तो सीधा बात है ये सीधी है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट सीधा है, और ये क्या है, उल्टा है, इसलिए इनवर्टेड। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज से क्या है, छोटा है, तो इसमें इन लार्ज लिख दीजिए, इन लार्ज, समझना है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है हम लोग कहाँ रख रहे हैं, 2f1 एंड f1 के बीच में रख रहे हैं, तो हम लोग का बन कहाँ रहा है, 2f2 पे बन रहा है, यानी 2f2 से थोड़ा सा उधर बन रहा है, उसके बाद रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और इन लार्ज बन रहा है। तो ये हो गया। अब ये पांचवा पॉइंट हम लोग को देखना है, जब देखिए इसमें और दो पॉइंट बचा हुआ है, एक रखना है हम लोग को f1 पे, और दूसरा रखना है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ नंबर, when object on f1, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, f1 पे रखेंगे। तो ये बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, f2, 2f2। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट कहां रखना है, f1 पे रख दिया। अब कहां से ये पास करेगा, फोकस, कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरा कहां से पास करेगा, ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर। अब ये आप लोग को दिख रहा होगा कि दोनों लाइन क्या हो रहा है, एक दूसरे का पैरेलल हो रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे का क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जाकर के मीट करेगा, लेकिन हमको पता नहीं कहां मीट करेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि ये रियल होगा, क्या होगा, रियल होगा। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कहां मिल रहा है, तो एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। दूसरा कैसा होगा, तो ऑब्वियसली रियल होगा, कहीं ना कहीं मीट करेगा, इसलिए रियल होगा। और रियल होगा तो हम लोग जानते हैं रियल के साथ क्या लिखना रहता है, इनवर्टेड, क्या लिखना रहता है, इनवर्टेड। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखना रहेगा, फोर्थ पॉइंट कैसा रहेगा, ये तो हाईली इनलार्ज रहेगा, कैसा रहेगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज।
यानी ये बहुत बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखें, F1 पे रखें, तो दोनों लाइन क्या हुआ है? एक दूसरे का पैरेलल। आपको पता है पैरेलल क्यों किया? देखिए बता देता हूँ। एक्चुअली में ऑप्टिकल सेंटर और F1 का बीच का डिफरेंस और इधर ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच का डिफरेंस दोनों क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। फर्स्ट लाइन F2 से जा रहा है, दूसरा लाइन कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट से, माने ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है। इसीलिए दोनों पैरेलल चला जा रहा है, और पैरेलल जा रहा है यानी कहीं ना कहीं जा करके मिलेगा, मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, बस मिलेगा। इसीलिए रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज एट इन्फिनिटी। अब इसका लास्ट पॉइंट, प्लेस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो जब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर का और उसके बीच में रखेंगे तो कैसा होगा? ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर बोला गया कि ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। अब क्या हुआ कि हम लोग को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ। अब यहाँ से बोला गया कि भैया यहाँ तो जाएगा, और जाने के बाद कहाँ से मिल रहा है? तो सीधी बात है, इसको निकालना होगा यहाँ से, फोकस से। दूसरा पार्ट कहाँ से जाएगा? तो यहाँ से जाएगा। ये दोनों क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो गया। ये कन्वर्ज ना हुआ, ये क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया। जब ये डाइवर्ज हो गया तो हम लोग को क्या करना है? अगर डाइवर्ज हो गया तो सीधी बात है, इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, यानी खुद से प्रोड्यूस करेंगे वर्चुअली। तो वर्चुअली जब प्रोड्यूस करेंगे तो डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे जा करके मिल जा रहा है। तो ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि बिटवीन टू F1 एंड F1 के बीच में मिला है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे हम लोग को माने सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मिला है, यानी ऑब्जेक्ट के ही साइड में मिला है, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसका अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट लिखेंगे सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के ही साइड में मिल रहा है। दूसरा पार्ट, ये रियल है नहीं, हम लोग खुद से प्रोड्यूस करके मिला है, इसलिए ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। और जब वर्चुअल होगा तो थर्ड पार्ट इसका क्या होगा, ऑब्वियसली इरेक्ट होगा। क्या होगा? इरेक्ट किसको बोलते हैं? देखिए वर्चुअली मीट कराया गया, हम लोग रियली मीट नहीं कराया, खुद से प्रोड्यूस करके मिलाए हैं, यानी हम लोग को प्रोड्यूस करना पड़ा है तब जाके मिला है, इसीलिए वर्चुअल। और इरेक्ट यानी ये भी ऑब्जेक्ट भी सीधा है और आपका इमेज भी सीधा हो रहा है, इसीलिए इसको इरेक्ट या अपराइट भी लिख सकते हैं, या अपराइट भी लिख सकते हैं। अब इसका चौथा पार्ट क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, लार्ज, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इन लार्ज। क्या लिख सकते हैं? इन लार्ज। समझ में आया? तो जब ऑब्जेक्ट हम लोग कहां प्लेस करेंगे, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, तो ये कहां बनेगा, तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है उसी के सेम साइड में बनेगा। और जब वहां पर बनेगा तो उसमें वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, अपराइट होगा और इन लार्ज होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉनकेव लेंस का, किसका देखना है, कॉनकेव लेंस का, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस जो है, हम लोग जानते हैं कि जो उसका मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है, थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है। और उसका इन पार्ट क्या होता है, थिक होता है, जिसके कारण उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कॉनकेव लेंस। अगर कॉनकेव लेंस का अगर दो पार्ट अगर देखना हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट में पहले बता देता हूं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। अब इसमें एक और बात बता दे रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे
कि बुक में भी इधर ही 2f1 लिखा हुआ है, f1 लिखा हुआ है, इसीलिए सर ने भी यही कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप इधर भी ले सकते हो, भैया इसको हम f1 मान लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ऑलवेज जो रखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ प्लेस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ही, इसीलिए इसको फर्स्ट बोला जाता है और इसको सेकेंड बोला जाता है, बस यही है मेरे हिसाब से, यही है ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि अब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए हम लोग को रूल्स तो चाहिए होगा, तो इसका रूल्स क्या है, तो पहला रूल्स ये कहता है कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो इट विल बी डाइवर्ज, यानी ये क्या करता है, फैल जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना होता है ना कि इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है, खुद से इसको क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। और जब हम लोग इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तब जाकर के ये F1 से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, F1 से गुजरता है। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल ये कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाता है तो ये सीधा निकल जाता है, ये क्या होता है, सीधा निकल जाता है, जिसके कारण ये बिना डाइवर्ट किए हुए स्ट्रेट लाइन में जैसे आया था वैसे ही निकल गया सीधा आगे। तो ये आपका सेकंड रूल था। बस इसी पे दो पार्ट बनता है, दोनों पार्ट को हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या बनता है। तो देखिए, फर्स्ट रूल के हिसाब से पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी हम लोग इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, जब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहां पर ये कॉनकेव लेंस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बात कि हम लोग को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी, मैंने यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रखने के बाद हम लोग पहला रूल पढ़े कि जब यहाँ पर जाता है तो ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज होता है, क्या हो जाता है, डाइवर्ज होता है। तो हम लोग को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है, बैकवर्ड क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस, और कहाँ से गुजरेगा, F1 से गुजरेगा। दूसरा लाइन ये होता है कि दूसरा लाइन कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास करेगा। जब ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास करेगा तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर बना रहा है, तो कहाँ बना रहा है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ बना रहा है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट ये लिख सकते हैं बिटवीन, सॉरी, सेम साइड ऑफ द लेंस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि आखिर कैसा है, रियली में मीट किया है या वर्चुअली। तो वर्चुअली बिकॉज हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है तो ये क्या होगा, वर्चुअल होगा, ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। और अगर वर्चुअल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इरेक्ट होगा, क्या होगा, इरेक्ट, इरेक्ट को अपराइट भी लिख सकते हैं। जब इरेक्ट होगा तो इसका चौथा पार्ट क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, smaller than object, यानी object से क्या होगा, ये छोटा होगा, size में क्या होगा, छोटा होगा। तो अब सीधी सी बात है कि जब object को हम लोग कहाँ रखें, infinity और optical center के बीच में, तो कहाँ बन रहा था, same side of the lens, यानी lens के ही same side में बन रहा था, कहाँ पर, F1 and ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसको हम लोगों ने बैकवर्ड खुद से प्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसका क्या हुआ, वर्चुअल हुआ। और वर्चुअल होने के साथ ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा हुआ है तो इसका इमेज भी सीधा बन रहा है, इसीलिए इरेक्ट। अब ये हो गया कि ये छोटा बना,
क्यों छोटा बना? बिकॉज ऑब्जेक्ट इससे बड़ा था और ये जब मीट किया तो बिटवीन एफ वन एंड ओ के बीच में मीट किया, इसीलिए ये क्या हुआ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब इसका एक और पॉइंट है, बस एक और पॉइंट है, देख लीजिए क्या है इसका एक लास्ट पॉइंट। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं इंफिनिटी पे रखते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखेंगे तो हम लोग को देखना होगा कि क्या होता है। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पे रख दिए तो ये क्या होगा, अब देखिए यहां से एक रे गया और यहां से दूसरा रे गया, अब ये दोनों रे जाने के बाद ये दोनों तो डाइवर्ज हो गए, बिकॉज इसका फितरत ही यही है कि डाइवर्ज कर देना, यानी कोई भी आएगा उसको क्या करना, डाइवर्ज करना, तो ये डाइवर्ज कर दिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये कहाँ मिल रहा है, एफ वन पे। तो हम लोग इसका पहला क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑन एफ वन ऑन एफ। दूसरा पार्ट क्या, हम लोग रियली में तो मीट कराए नहीं है, हम लोग वर्चुअली मीट करा रहे हैं इसीलिए वर्चुअल। तीसरा पार्ट क्या होगा, तो तीसरा पार्ट ये होगा कि ये कैसा हो रहा है, तो इरेक्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है इरेक्ट, क्यों इरेक्ट हो रहा है, बिकॉज ये वर्चुअल है, ये लाइन जो है क्या वर्चुअल है इसीलिए इरेक्ट हो रहा है। और इसका चौथा पॉइंट क्या होगा, तो ये होगा पॉइंट साइज, क्या होगा पॉइंट साइज। तो हम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एफ वन बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और पॉइंट साइज बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर और लेंस, बोथ दोनों देखेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा इसमें कि इमेज जो बन रहा है वो किस किस तरीके का बन रहा है और कैसे कैसे। देखिए सबसे इजी वाला बात यही है कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम लोग लेंस की ओर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, इमेज बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन कॉनकेव में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग जैसे जैसे आगे कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यानी जैसे जैसे पहले इंफिनिटी पे था तो क्या हुआ, पॉइंट साइज हुआ, फिर जैसे हम लोग आगे किए तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा बना। तो यानी इसका फितरत ही है कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम लोग लेंस की ओर ले जाएंगे वो क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, वो क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो ये जो था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन था। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसका साइन कन्वेंशन देखेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का। उसके बाद हम लोग कुछ इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल ऑक्सीजन क्लासेस और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।